പ്രണം ജിന പാലയുഗം യുഗാദ വാലംബനം ഭവജലെ പതതാം ജനാനാം യ സംസ്തുത സകലവാങ്മയ തത്വബോധ ഉദ്ഭൂത ബുദ്ധി പട്ടുഭി സ്വർലോകനാഥൈ इसी दूसरे छंद में पढ़ने में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तीसरी लाइन और चौथी लाइन जो ये दोनों फैन ऑफ कर दो, है ना। देखिए ये अपने खासकर हिंदी भाषी जो लोग हैं उनकी आदत होती है, आधे सा में हम डेढ़ सा बोलते हैं, आधे सा में डेढ़ कैसे बोलते हैं, आधा सा तो बोलते ही हैं, साथ में ई बोल देते हैं तो वो ई पूरा हो जाता है और आधा सा होता है। तो अपन बोलते हैं स्कूल, स्टूल और स्मारक। तो अगर आप इसको लिख करके देखो तो वो समझ में आ जाएगा कि आपको डेढ़ अक्षर हो गया वो, खैर। लेकिन पद में सुविधा है, आपको बहुत आसानी से आप इस दोष को दूर कर सकते हो। जैसे त्रोत्रय जगत्रय चित्त हरे रुदारे तोषे किलाहमपि तम प्रथमं जिनेन्द्रम। पहले दिमाग में साइलेंट करना पड़ेगा उस आधे सा को, तब जाकर के यहां साइलेंट होगा। महाराष्ट्र वाला कोई भी गलती नहीं करेगा ये वाला, क्योंकि बचपन से ही वो तीनों सा में अंतर करना जानते हैं कि कौन सा दंती है, है? कौन सा होस्ट है। तो दोनों को हम सड़क वाला सा, षटकोण वाला सा और शक्कर वाला सा, तो इन तीनों में अंतर नहीं करते, इसलिए हमारे लिए तीनों सा एक जैसे हैं और हम ई अलग से जोड़ देते हैं। तो ये इसमें अशुद्धि है, ठीक है। चलिए दो काव्य हैं, वैसे जनरली इनको पढ़ते रहते इसलिए पढ़ने में दिक्कत नहीं है। दोनों का सार क्या है, भक्त अमर शब्द है, मेन हाईलाइट इन दोनों का एक यही है। भक्त लेकिन अमर कहा तो देवों को अमर कहते हैं, देवों का नाम अमर है। तो भाई अमर तो उसको कहते हैं जो मरता नहीं है, तो फिर देव अमर कैसे हो गए, हैं भाई? अमर तो उसका नाम है जो मरता नहीं है। तो देव लोग तो मरते हैं भाई, सबकी अपनी एक आयु होती है। स्वधर्मेंद्र की आयु दो सागर की होती है, सर्वार सिद्धि के देवों की आयु 33 सागर होती है। तो अपने अपने टाइम लिमिट के अनुसार मरते ही हैं वो, तो फिर अमर क्यों कहा उन्हें? कि सागर जो लंबा काल है ना, वो इतना लंबा काल है, इतना लंबा काल है, एडवर्टाइज आती ना टीवी पे, चलता जाए चलता जाए चलता जाए चलता जाए, खत्म ही नहीं होता। खत्म नहीं होता तो फिर उसकी दुकानदारी कैसे चलेगी, है ना भाई? लंबा चले, तो जो लंबा चले उसको कहते हैं चलता जाए, जबकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चलती जाए, बस लंबी चलती है इस अपेक्षा से उसे चलता जाए कहते हैं। ऐसे ही देवों को अमर कहने के पीछे तात्पर्य यह है कि वे लंबे चलते हैं, एक। दूसरा, उनका किसी का भी अकाल मरण नहीं होता, जिसे अपन बोलते हैं ना कदली घात। क्रमबद्ध पर्याय अभी चालू हो गई कि नहीं हुई? थोड़ी सी हो गई है चालू, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम्हारी तो पूरी हो गई ना, वैसे कंप्लीट हो गया ना मामला, थोड़ा रह गया, चलो ठीक है। तो कदली घात, तो वैसे तो कदली केले का नाम होता है, और कदली घात का अर्थ होता है केले के पेड़ को उखाड़ना। क्या केले के पेड़ को एक झटके में उखाड़ा जा सकता है? किसी दूसरे पेड़ को एक झटके में नहीं उखाड़ा जा सकता,
और केले की जड़ें जो होती ना वो फैली हुई नहीं होती हैं, ऐसी एक जगह गांठ के रूप में होती हैं, और एक गांठ पे ही चोट मारी और एक झटके में खत्म कर ली घात। ऐसा ही अकाल मरण जो होता है ना आयु, तो अपने आयु के निषेक जैसे मान लो 20 साल के लिए फैले हुए हैं, तो धीरे धीरे उदय में आते हैं, छिड़ते जाते हैं और अपनी आयु पूरी होती जाती है। और मान लो वे आयु कर्म के निषेक इकट्ठे हो गए और एक साथ उनकी उदीर्णा हो गई, तो अकाल मृत्यु हो जाती है, उसको बोलते हैं कदली घात। नहीं समझा? एक बाल्टी में छेद है और उसमें से पानी गिर रहा है, तो अगर एक घंटे 10 लीटर की बाल्टी है और एक घंटे में 1 लीटर पानी गिरता है, तो बाल्टी कितने घंटे में खाली होगी? 10 घंटे में खाली होगी। लेकिन मैं कहता हूँ 15 मिनट में खाली हो जाएगी। क्यों? एक बच्चा आएगा, लात मारेगा, पूरी लुढ़क जाएगी, पूरा खाली 15 मिनट में खाली हो जाएगी। ऐसे ही आयु मिली 100 साल की, ठीक है, लेकिन किसी कारण से आयु कर्म की उदीर्णा हुई, इकट्ठे आयु कर्म के निषेक इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे उदय में आ जाते हैं, एक साथ उदय में आ गए, तो बस खत्म काम। लेकिन देवों का अकाल मरण नहीं होता। तत्वार सूत्र में सूत्र है, औपपातिक कर्मोत्तम देहा असंख्य वर्तायुषः अनपवर्तायुषः, कि ये लोग, इनकी आयु का अपवर्तन नहीं होता, इनकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो ये भक्त अमर इसलिए हैं, इनको अमर कहा ही इसलिए गया, नहीं मरते इस अपेक्षा से नहीं, लंबा चलते हैं, लंबा जीते हैं इस अपेक्षा से उन्हें अमर कहा। दूसरा प्रयोग बहुत अद्भुत प्रयोग है कि उनके मुकुटों में जो मणियां लगी ना, मणि, अब यहां तो ये लिखा हुआ है कि मणियों को अपने पद के नखों की कांति से दमकाने वाले भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणाम मुद्योतकम, शब्द है मुद्योतकम, माने उद्योदित करने वाले, मुद्योतकम उद्योदित करने वाले, मतलब विशेष उनकी मुकुट की मणियों की चमक आपके नाखून पर पड़ रही है इसलिए आपके नाखून चमक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मतलब आपके नाखूनों की चमक उनकी मणियों पर पड़ रही है मुकुट की, तो वे मणियां चमक रही हैं, हैं? एक शायरी बोलते ना अपन, उनके आ जाने से चेहरे पे आ जाती है रौनक और वो समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। तो मिलने आए मेरे से, मैं मुस्कुराने लगा, तो बोले हम तो तुम्हें देखने आए थे यार कि तुम बीमार हो, तुम तो हंस रहे हो, तो क्या करें, रोने लगे का, मतलब तुम देख भी आए तो रोए का हम, ये नहीं, ठीक है। अरे वैसे तो आगम में प्रथमान युग में बहुत ही ज्यादा आती अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है, उसमें लिखा है कि स्वधर्मेंद्र के मुकुट की एक मणि की वैल्यूएशन चक्रवर्ती की पूरी संपत्ति के बराबर होता है। अब कौन सा जौहरी बाजार लगाए यार उधर, जो वैल्यूएशन करने जाएगा कोई, ये तो वर्णन है, मतलब इतनी दुर्लभ है वो, रेयर रेयर, जैसे कोहिनूर रेयर है ना, तो वो रेयरिटी के, मतलब जो स्वधर्मेंद्र के मुकुट में मणि लगी है वो मणि आपको यहां मध्यलोक में नहीं मिलेगी, वो चाहे तुम चक्रवर्ती की पूरी संपत्ति दे दो तो भी नहीं मिलेगी। क्यों? प्रोडक्ट उधर का है, पेटेंट उधर का है, तो स्वर्ग ही में काम में आएगा, नीचे यूज में ही नहीं आएगी वो चीज, इसलिए वो प्रोडक्ट उधर का होने के कारण से ऐसा कहा गया। दैट्स ओके, अगली बात। तो कांति नाखूनों से मणियां चमक रही हैं ऐसे, तो ऐसे जिनेन्द्र देव को, मैंने उनके चरणों में मैं यहां नमन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि भैया हमारा तो सीधी सीधी बात है, जो जगत के प्राणियों को आधारभूत हैं वे भगवान हैं, और ऐसे जगत के आधारभूत भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। ये पहले कलश का भाव है श्लोक का। सामान्य अर्थ इसका ऐसा है कि भक्त अमर, और प्रणत शब्द पहले ले लो, प्रणत माने झुके हुए, झुके हुए, नमस्कार नम्रीभूत, नमस्कार करते हुए, भक्त अमर माने देवताओं के
मौलिमणि प्रभाणाम, मतलब उनके मुकुट की मणियों में कांति को उत्पन्न करने वाले, और दलित पाप तमोवितानम, माने दीन दुखी जीवों के पाप रूपी अंधकार को दूर करने वाले, और जिनके मतलब भगवान के चरण कमल है ना, तो संसार के में ये चौथी लाइन में लिखा, भवजले पतताम जनानाम, संसार रूपी सागर में पड़े हुए लोगों के लिए आलंबनम, आलंबन है, जैसे समुद्र में डूबने लगे ना कोई और एकदम से आप पानी में गिर जाओ और रेलिंग लगी हो तो रेलिंग का डंडा पकड़ लेते हैं तो वो आलंबन हो जाता है, ए डूबेंगे नहीं भाई, डूबते को तिनके का सहारा, लकड़ी का गुट्टा तैर रहा हो और उस पर हाथ रख लेते हैं, तो वो ऐसे ही हम संसार सागर में पड़े हुए हैं, तो अभी अपन को शरणभूत क्या है, पंच परमेश्वरी है, वो आलंबन लिए हुए कब तक, जब तक आत्मा का नहीं मिल रहा तब तक, तो आलंबन है शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरण दो, तो ये जगत के आलंबन है। अच्छा एक चीज और मैं कल बता रहा था कि देखो आप लोगों ने दिन भर में टाइम तो मिला नहीं होगा ढूंढने का कि इसमें मिथ्या तो पोषक वाक्य ढूंढे जाए, लेकिन सीधी सी बात यह है बेटा कि मिथ्यात्व का पोषण शब्दों से नहीं होता, मान्यताओं से होता है। कहीं भी जिनवाणी कोई भी आज तक मिथ्यात्व का पोषण करने वाली नहीं होगी, जिनवाणी में से जो हम अभिप्राय या अर्थ निकालते हैं वो मिथ्यात्व का पोषण करता है, कोई भी जिनवाणी मिथ्यात्व का पोषण नहीं करती। अब कल हनुमान जी ने पहाड़ उठाया हमने ऐसा कहा तो पूरी दुनिया उन शब्दों से अभी तक मिथ्यात्व का पोषण करती थी, अब अपन ने पहाड़ का अर्थ सही निकाल लिया तो अपनी बुद्धि निर्मल हो गई, अभिप्राय निकालने की बात है। अच्छा एक बार बताओ भैया क्या नाम है, थर्ड लाइन में चश्मा लगाए थे आप, तक सम्यक दृष्टि व्यक्ति और मिथ्या दृष्टि, दो व्यक्ति जंगल में जा रहे हैं, इतने में शेर आ गया, शेर भूखा शेर आ गया, खाने के लिए ही आया। अब दोनों यहां खड़े हैं, इस तरफ भी बंद रोड, इस तरफ भी बंद, पीछे तो बंद है ही गेट, अकेला सामने, उधर से शेर आ रहा, अब दोनों क्या करेंगे। एक जवाब ये भी हो सकता है दोनों क्या करेंगे, अब जो करना है शेर ही करेगा, वो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अब सम्यक दृष्टि भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है और मिथ्या दृष्टि भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, क्योंकि ऐसे टाइम में आत्मा का ध्यान तो लगेगा नहीं कि बैठ जाए आलती पालती मार के और आत्मा की अनुभूति करने लगे, तो आत्मा की अनुभूति तो होगी नहीं दैट पर्टिकुलर टाइम पे। इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं। अब दोनों नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, मिथ्या दृष्टि पढ़ रहा है और सम्यक दृष्टि, लेकिन दोनों के नमोकार मंत्र पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर है। काय किस चीज में अंतर होगा बेटा, अभिप्राय में। एक ये एक ने सुन रखा है कि नमोकार मंत्र पढ़ने से फला की व्याधि दूर हो गई, फला की रक्षा हो गई, तो अभी कोई देवता लोग आसमान से उतरेंगे और वो शेर को एक डंडा मारेंगे और भगा देंगे और हम बच जाएंगे, एक भावना उसकी ये होगी। और सम्यक दृष्टि का ये है कि अब शेर आ गया, अन्य कोई उपाय तो है नहीं, आकुलता करने से कोई फायदा नहीं, कुछ जो होना है वो तो होना ही है, तो अपने परिणामों की शांति के लिए, अपनी परिणामों की निर्मलता के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, पंच परमेश्वरी का स्मरण करो। वो कर्ता बुद्धि से नमोकार मंत्र नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा वो भी नमोकार मंत्र पढ़ता हुआ नजर आएगा और मिथ्या दृष्टि भी पढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन दोनों की कर्ता बुद्धि जो है एक अकर्तत्व की मान्यता से पढ़ रहा है, एक कर्तृत्व की मान्यता से पढ़ रहा है, पढ़ेंगे दोनों और दोनों में अंतर होगा। समझ में आ गया भैया, ये अंतर है। तो भक्तजनों को भगवान का नाम अवलंबन है, बिल्कुल है, आलंबन है ना, सम्यक दृष्टि ने भी आलंबन लिया कि नहीं लिया, मिथ्या दृष्टि भी आलंबन लेंगे, लेकिन मिथ्या दृष्टि आलंबन लेके ये सोचता है कि जो कुछ करेंगे यही करेंगे
और सम्यक दृष्टि आलम्बन लेकर के ये सोचता है कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, हमारा काम पंच परमेष्टि के नाम का स्मरण करना है, बाकी जो होना है वो हो नहीं। दोनों के अभिप्राय में अंतर है। मानसुंगाचार्य के अभिप्राय में अंतर था और जिनने भक्तामर पढ़ा उनके अभिप्राय में दूसरा अंतर है। इसलिए इसी भक्तांबर में आएगा, हे भगवान भयंकर पागल हाथी आ रहा हो जो बड़ी बड़ी सेनाओं से भी रोके वो नहीं रुक रहा हो, लेकिन जो आपका भक्त होता है वो उस हाथी से नहीं डरता। बहुत बड़ा सांप आ गया जिसका फन इतना बड़ा है कि पूरे लोक को ही निगल जाए, ऐसा लग रहा है जहर उगल रहा है एकदम आग, और हे भगवान जो आपका भक्त है उसको ऐसे सांप से डर नहीं लगेगा। काय को लगेगा डर, जिसे क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा है, वस्तु व्यवस्था की श्रद्धा है, जिसे अकर्तापन की श्रद्धा है उसे डर क्यों लगेगा? बोलो अनुज, वो तो भगवान के नाम का स्मरण करेगा, बिल्कुल करेगा, आजनाथ का स्तवन करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन इसलिए नहीं कि सांप भाग जाए, इसलिए कि सांप को जो करना है कर लो, हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। हमारा काम है केवल में केवल मात्र क्या करना, अरहंत आदि का स्मरण करना, दोनों। उसको भय नहीं होता, मतलब सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता क्या? नॉर्मल कोई उपाय होगा या सांप जा रहा होगा जहरीला सांप तो सम्यक दृष्टि ऐसे हाथ बढ़ा देगा उसके आगे, ले भैया काट ले, सम्यक दृष्टि है पागल नहीं है, समझ में? तुम क्या समझ रहे, पागल है क्या? मतलब सामने से ट्रक आ रहा है तो सम्यक दृष्टि ऐसा खड़ा हो जाएगा, ले आओ मार जाओ, कहे हम तो सम्यक दृष्टि डरते ही नहीं है, निर्भय है हम तो सम्यक दृष्टि है, कोई पागल नहीं है। ट्रक आएगा तो डर के साइड में जाएगा भी, तो अभी उसको भय नहीं होता, मतलब सप्त भयों से रहित होता है। अरे सप्त भयों से रहित होता है का मतलब ये है भैया कि अभिप्राय में अंतरंग में अपने स्वरूप नाश का उसे डर नहीं होता। इसके लिए आपको समय सार का जब भी प्रकरण बनेगा आप अगले हिसाब से, तो वैसे मेरा इच्छा है अगले शिविर में सम्यक दर्शन के 8 अंग लेने की, अगला जो शिविर आएगा उसमें शाम की कक्षा में वैसे चला ही रहा हूं मैं, लेकिन वहां संक्षेप में चलाऊंगा, लेकिन अगले साल के लिए मैंने सम्यक दर्शन के 8 अंग फिक्स कर रखे हैं, तो वो मैं लूंगा समय सार के आधार से ना लेकर के छेड़ाला के आधार से लूंगा, और उसमें आएगा सब कुछ, समय सार भी आएगा, पुरसा सिद्धि उपाय भी आएगी, रत्नगण साहुकाचार भी आएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, अपन ने तो सुने हैं ना पिछले साल। हाँ, तो बड़ा अच्छा चिंतन है उसमें समय सार जी में आचार्य अमित चंद्रदेव का। तो वह निर्भय होने का अर्थ ये नहीं है कि वो डरेगा नहीं, डरता है लेकिन फिर भी वह निर्भय होता है, क्योंकि वह कोई किसी का कर नहीं सकता ये भावना, इसलिए आलम्बनम भवजले पतताम जना नाम का अर्थ ये। नाम अवलंबन तो लेगा लेकिन अवलंबन का अर्थ ये नहीं कि कर्ता बुद्धि होगी उसको, भगवान कुछ कर देंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर भी चलो, या संस्तुता सकल वांग्मय तत्वबोधा और उद्भूत बुद्धि पट भी सुरलोक ना थी। दो लोग, एक तो सुर केवली जिन्होंने पूरी जिनवाणी पढ़ रखी है, सब पूरी की पूरी जिनवाणी, समस्त शास्त्रों के सकल वांग्मय तत्वबोधा और उद्भूत बुद्धि पट भी सुरलोक ना थी, ये सब श्रुत केवली हैं। स्वधर्म इंद्र श्रुत केवली होता है और बाकी सब श्रुत केवली हैं। पूरी लाइनों का अर्थ ये है कि जो श्रुत ज्ञान में पारंगत हैं, श्रुत ज्ञान में पारंगत हैं का अर्थ क्या है विपिन, कि जितने शास्त्र हैं सब जानते हैं और भगवान की स्तुति जितने प्रकार से की जा सकती है उतनी हर प्रकार की स्तुति करना वो लोग जानते हैं, भांति भांति प्रकार प्रकार अनेक अनेक हजारों सैकड़ों करोड़ों शब्दों से भी भगवान की स्तुति कर सकते हैं वो लोग ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद भी उनने इतनी स्तुति करी है, उसके बावजूद भी स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र माने आदिनाथ भगवान की स्तुति करने का प्रयास में कर रहा हूं, मतलब
किसी बड़े आदमी ने वो काम कर लिया इसलिए अब हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बना ली यार, बहुत बड़े आदमी हैं यार वे तो। अब विराट कोहली सोचे यार अब हम क्या करेंगे यार, इतने बड़े आदमी ने काम कर लो, हम नहीं बना रहे अब सेंचुरी वेंचुरी, हम तो 50 को रिकॉर्ड बने हैं, सेंचुरी का नहीं बनाएंगे 50 का बनाएंगे, ये तो थोड़ी है। अरे रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, सही है कि नहीं। अब 59 तो हो गई विराट कोहली की, हो गई ना, टेस्ट में 24 हैं, वनडे में 35 हैं, 35 तो टोटल 59 हो गई हैं अभी, तो टूट ही जाएगा थोड़े दिनों में रिकॉर्ड तो सचिन का, है ना। वनडे में 10,000 रन भी होने वाले, 9,776 रन है अभी, तो क्या हुआ वनडे में, टेस्ट में 10,000 नहीं हुए बेटा, ठीक है, टेस्ट में अभी बहुत कम है, ठीक है 6,000 कुछ है, कोई बात नहीं। किसकी, मेरी PhD है इसमें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन आंकड़ों तक ही दृष्टि रह गई है, बाकी कंटिन्यू वेट करके देखना तो अब बहुत दूर की कौड़ी हो गई, बहुत समय हो गया कि जब 5-7 ओवर एक साथ इकट्ठे बैठ करके देखे हों, इतनी देर बैठ ही नहीं पाते अब कभी, लेकिन हाँ विहंगम दृष्टि सभी पर रखते हैं, ठीक है। यहां क्या लिखा है विशेष, ऐसे जीव मतलब जो इन जिनेंद्र देव की चरण युगल को लिखा है कि उनको मैं यहां अच्छे तरीके से नमस्कार करता हूं, लेकिन जिनकी समस्त शास्त्रों के तत्व ज्ञान से, लिखा ना सकल वांग में तत्व बोधात, सारे शास्त्रों के ज्ञान से उद्भूत बुद्धि पटु भी, माने जिनके बुद्धि में पटुता कुशलता प्राप्त हो गई है, और सुरलोक नाथ ही ऐसे सोधर्म इंद्र आदि भी जिनकी स्तुति करते हैं, माने तीन लोक के चित्त को हरण करने वाले ऐसे जिनेंद्र देव की जो स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति करने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो इन दो छंदों में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं क्या करने वाला हूं। आपने अभी प्रमेय रत्नमाला पढ़ना शुरू नहीं की होगी, वैसे शास्त्री फर्स्ट ईयर वालों ने कर दी, कॉलेज में तो पढ़ी होगी ना थोड़ी बहुत, हाँ मंगलाचरण पढ़ लिया, बहुत हो गया, 20 नंबर का आता मंगलाचरण में से परीक्षा में पूरी, अकेले 20 नंबर का मंगलाचरण में से हर साल, ठीक से इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो वहां ये लिखा कि ग्रंथ आरंभ करने से पहले या कोई रचना आरंभ करने से पहले संबंध अविधेय सक्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजन, ये तीन चीजें बता देनी चाहिए। तो यहां अविधेय बता दिया उन्होंने कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इस भक्तामर्म में प्रथम जिनेंद्र आदिनाथ भगवान का स्तवन करूंगा, कैसे हैं आदिनाथ भगवान वो विशेषताएं बता दी, ठीक है। तो ये दो काव्य हो गए, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो इसमें किसी शब्द में तो वो पूछ सकता है हाथ ऊंचा करके, ठीक है। ये स्तोष्ये किल अहम अपि, किल अहम और अपि अब अर्थ निश्चय, वो किल जो है ना दृढ़ता के अर्थ में प्रयोग किया गया है, कहीं निश्चय करने के अर्थ में प्रयोग किया गया है, दृढ़ता के अर्थ में प्रयोग किया गया है कि मैं भी उनकी स्तवन करूंगा, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, तो मैं भी उनका स्तवन करूंगा, दृढ़ता के अर्थ में है ये, ठीक है। ये जो ये कुछ ऐसे शब्द होते ना, इनको भर्ती के शब्द बोलते हैं, भर्ती के शब्द बोलते माने जब काव्य में कहीं एक आध अक्षर टाइप के जोड़ देते हैं सब ऐसे, कोई विशेष इनका अर्थ ऐसा नहीं है वही सब, लेकिन हाँ इफेक्ट तो डालते हैं शब्दों पर, ठीक है कि नहीं विशेष। हाँ चलो भाई विशेष से कन्फर्म कर लेते हैं, भाई संस्कृत का जानकार है वो विशेष, इसलिए उससे थोड़ा कन्फर्म कर लेते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। तीसरा छंद, बुद्ध्या विना पिबुधार्चित पादपीठ
तो तुम समुदत मतिर विगतात्र पोहम आलम बिहाय जलसं सित मिंदु बिंब भाई। कोई भी व्यक्ति आहार कराए चाहे भक्ति करे, कार्य करने से पहले माफी जरूर मांग लेता है। आप जब बचपन में अपने स्कूलों में पढ़ते होंगे तो स्कूल में जाकर के खड़े होते होंगे तो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रेस्पेक्टेड टीचर, आई वांट टू से सम पोयम, इफ कोई भी समस्या हो यदि हिंदी में तो मुझे क्षमा कर दीजिए। पहले ही माफी मांग लेते हैं, बाद का काम कौन अकाउंट निपटाएगा, पहले ही मांग ली ठीक है माफ करना। और फिर अपन कविता पढ़ देते थे, बाद में कभी माफी नहीं मांगी, हमेशा पहले ही माफी मांग के और आगे बढ़ जाते हैं। उसमें क्या होता है, ये बहुत गजब का प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक एक तरीका होता है। क्या होता है, सभा में कुछ लोग छिद्रान्वेषी होते हैं। कैसे होते हैं, जिनका काम होता है दोष ढूंढना, उनको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। वो हमेशा दोष ही ढूंढते रहते हैं, तो उनको बड़ी संतुष्टि मिलती है जब कोई पहले ही माफी मांग लेता है। भाई साहब भोजन परोस रहे, कोई पहली बार बनाया है, कोई गलती होए तो माफ कर देना, नमक वमक कम रह गया हो तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा है। चाय बनाई पहली बार बनाई यार, शक्कर वक्कर कम होए तो देख लेना यार है, पहले ही माफी मांग लो तो जो छिद्रान्वेषी लोग होते हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक ठीक देख लेंगे। अरे भैया पहले ही माफी मांग ली थी उन्हें, ऐसे ही तरीका है ये। अब यहां तीसरे छंद में उन छिद्रान्वेषी हैं, कौन है जो भक्त अमर लिखने वाला, मान तुंग हम देख रहे का लिखो इनने, इनने कही भाई साहब हमने जो कुछ लिखो पहले माफी मांग रहे। क्यों लिखा है, बुद्धिया विनापि, मेरे पास में अक्कल तो है नहीं ज्यादा, जैनाचार्य सुम विशेषता भवती यत महत् कार्य कृतयति तथापि सौ विषय किमपि न लिखती और सदैव स्वयं लघुता में अनुभवती, स्वयं में हमेशा लघुता का अनुभव करते हैं। और उनकी ये विशेषता होती है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते लेकिन लघुता जरूर प्रदर्शित करते हैं, ये जैनाचार्यों की विशेषता है कि हम कमजोर हैं महसूस करते हैं। इवन परीक्षा मुख लिखने वाले अनंत, उसकी टीका लिखने वाले प्रवीण रत्नमाला अनंत वीर ने जगह जगह अपने आप को दीनहीन महसूस किया, वो जगह हर अधिकार के अंत में, ऐसे ही यहां है। ये भगवान मैं यद्यपि बुद्धिया बिनापि, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन होने पर भी मैं क्या कर रहा हूं कि विबुधार्चित पाद पीठा, मैंने विबुध, विबुध शब्द समझते हो, विशेष बुद्धिमान को बोलते हैं विबुध, और श्रुत केवली को विबुध शब्द का प्रयोग किया जाता है। सुरेंद्र, सुरेंद्र माने स्वधर्मेंद्र, श्रुत केवली होता है वो, द्वादश संघ का पाठी होता है श्रुत केवली स्वधर्मेंद्र। इसके लिए समयसार की नौवीं दसवीं गाथा की अपेक्षा लेना, मतलब जो आत्मा को जानता है वो संपूर्ण सुख को जानता है, जो संपूर्ण सुख को जानता है वह अपनी आत्मा को जानता है। तो चूंकि स्वधर्मेंद्र सम्यक दृष्टि होता है इस अपेक्षा से श्रुत केवली है। बाकी श्रुत केवली जो द्वादश संघ के पाठी मुनिराज हैं वो तो है ही हैं, और जो अभी प्रवीण जी भी पढ़ाएंगे श्रेणी जो चढ़ता है, कोई भी जीव हो वो बिना श्रुत केवली हुए श्रेणी चढ़ता ही नहीं, श्रेणी चढ़ते समय नियम से श्रुत केवली होता है। ओ ये टेक्निकल बातें हैं, आई हैं आपके क्लास में, अच्युत कांजी भी पढ़ाएंगे। तो यहां ये बात है, इतने बुद्धिमान लोगों के द्वारा लेकिन फिर भी तो तुम समुद्दत के, मैं फिर भी आपकी स्तुति करने के लिए तत्पर हुआ हूं। मति शब्द का अर्थ क्या है, तो तुम समुद्दत मति के स्तोत्र कर, स्तुति करने के लिए तत्पर हुई बुद्धि वाला हुआ हूं मैं। मति माने मैंने आपकी स्तुति करने का मन तो बना ही लिया, मन मैंने बना लिया। और ये क्या है, विगत त्रपो हम, ये मेरा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट है, आउट ऑफ द वे जाकर के काम करना,
میری چادر سے باہر میں اپنے پیر نکال رہا ہوں, لمٹ سے باہر جا کے کام کر رہا ہوں. بگتا ترپو ہم سامرتھ, ترپ مانے سامرتھ, یہ میرے سامرتھ سے باہر کی بات ہے, اس لیے میں اس کو اپنی دھرستتا اور نرلجتا بولتا ہوں. یہ میری دھرستتا ہے, پھر بھی میں کہوں گا. اچھا ایک بار بتاؤ, بالم بہائے جل سنست مندو بمبا منیا کا اچھتی جنا سہسا کری تم, کہ بچوں کو بہلانے کے لیے تھالی میں چندرما دکھایا جاتا ہے. تلسی داس جی کے کابے پڑے ہوں گے نا آپ نے, میا موری چند کھلونا لے ہوں, اے میا میں تو چند کھلونا لوں گا چندرما والا. اب کیا ہوا, کوسلیا تھی تو رام چند جی رو رہے تھے. بھائی روتے تو سبھی ہیں, چاہے رام چندر ہوں چاہے کسن ہوں, بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, سبھی روتے ہیں. تو وہ رو رہے تھے تو ان نے کیا کیا, دشرتھ نے تھالی رکھ دی آنگن میں اور اس میں چندرما دکھ گیا. اور وہ چندرما, اب وہ ہاتھ ڈالیں تو چندرما غائب, ہاتھ نکالیں تو چندرما پھر دکھنے لگے. اب بھی رو رہے, میا موری میں تو چند کھلونا لے ہوں. تو بچوں کو بہلانے کے لیے چندرما, لیکن پھر بھی یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں بھگوان کی بھکتی کرنے کے لیے پریاس کر رہا ہوں تو اسے میری نادانی سمجھنا. نادانی مطلب بھائی بچوں کو بہلانے کے لیے جیسے تھالی میں چندرما دکھایا جاتا ہے اور وہ چندرما کو پکڑنے کے لیے دوڑتا ہے, تو یہ کام بچے ہی کر سکتے ہیں. کائی چھتی جنا سہسا گری ہی تم, سمجھدار آدمی کوئی ہوگا تو وہ چندرما کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑے گا نہیں. اور ہر کوئی ہنومان جی تو ہوتا نہیں ہے. ہنومان جی نے کیا کیا تھا وشال, سورج کو پھل سمجھ کے کھانے کے لیے چلے گئے تھے. بیٹھ جاؤ, یہ تو ہندو مانیتا میں ہے. اور بےچارا سورج بھکتا بھکتا پھر رہا تھا, تو ان نے کھا ہی لو, تو وہ کھا لیا تھا تو وہ تو اچھو بھاؤ گے, لوگوں نے گدگدی کر کے نکلوا دو. آج کل نہیں تو سولر انرجی والوں کا ویاپار کیسے چلتا, سور ارجا سب گڑبڑ ہو جاتا. گجب کے کانسیپٹ ہیں, یہ ہندو مانیتا ہے بھیا. یہ دھرم پریکشا کتنے لوگوں نے پڑھی آپ لوگوں میں سے, دھرم پریکشا نام کا گرنتھ. ارے فرسٹ ایئر والے ادھر تو سب, تم لوگوں نے کسی نے نہیں پڑھی, تم سے پہلے پڑھا چکا تھا میں. ٹھیک ہے, ہر ودیارتھی کو اگر وہ جین درشن پڑھ رہا ہے تو اپنے جیون میں ایک بار دھرم پریکشا کمپلسری پڑھنا چاہیے, کمپلسری. سمجھ میں آیا, آچار امت گتی گرنتھ ہے, کیول پیور کہانیاں ہیں, مورکھوں کی کہانیاں. کن کی کہانیاں, دو متر تھے منو ویگ اور پون ویگ, اور ان کی آپس میں کہانیاں ہیں. ایک متھیا مانیتا میں پڑ جاتا ہے کگرو کدیو کشاستر کے چکر میں, دوسرا اسے سمجھاتا ہے لیکن وہ کگرو کدیو کشاستر کی برائی نہیں کرتا, وہ تو کہہ رہا بہت بڑھیا مانو مانو آپ تو کوئی دقت نہیں ہے, لیکن پھر وہ کہانیاں سناتا ہے. اور پورا ایک گرنتھ ہے, اس میں پوری کہانیاں سنائی گئی ہیں اور ایک ایک کہانی میں اچھی اچھی ان کی برائیاں کی گئی ہیں پریم سے. مطلب جیسے ایک بار برہما جی کے پیچھے ایک راکشس پڑا تو برہما جی بھاگے, بھاگتے بھاگتے وشنو جی کے پاس پہنچے تو بھائی وہ وشنو جی کے پیٹ میں چلے گئے, وہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملی تو ان کو پیٹ میں لے لیا. تو پیٹ میں چلے گئے تو اب وہ راکشس بھاگ گیا ڈھونڈ ڈھانڈ کے, تو اب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہ اب نکلنے کی تو جگہ نہیں ہے یار, تو انہوں نے ہماری نابھی میں سے آ جاؤ, تو نابھی میں سے آ گئے تو پورے تو آ گئے باہر, ایک جانگ کا بال پھنس گیا, اب وہ نکلا ہی نہیں. اب نہیں نکلے تو انہوں نے کیا کیا, تو پھر اس کو کمل کا پھول بنا دیا. تو آپ کبھی کبھی فوٹو دیکھنا, کہیں کہیں آپ کو مل جائیں گی ایسی فوٹو جس میں وشنو جی لیٹے ہوئے ہیں, ان کی نابی میں سے کمل کا پھول نکلا ہوا ہے اور کمل کے پھول پہ برہما جی بیٹھے ہوئے ہیں پرماننٹ, ہل نہیں سکتے. کہے ہلیں گے تو بال نہیں ٹوٹ جائے گا, وہ بال ٹوٹ جائے گا تو بال توڑ ہو جائے گا. ایسی کہانیاں آپ کو اس میں پچاسوں ملیں گی. برائی کہیں نہیں کری
سپتتا پوری ملے گی آپ کو. یہ ہے یہاں. خیر, تو اجانی ہے لیکن پھر بھی سمجھدار آدمی اس طریقے کا پریاس نہیں کرے گا, لیکن مورکھ تو ایسا کوشش کر ہی سکتا ہے کہ چندرما کو پکڑنے چلا جائے. یہ میرا پریاس ہے, لیکن پریاس تو پھر بھی میں کروں گا. ٹھیک ہے, اینی ڈاؤٹ چھند میں کلیئر ہے سر؟ دیکھو بھیا, میں شبدارتھ کی جگہ بھاؤ بتا رہا ہوں آپ کو, یہ کیونکہ اس میں ہی مزہ ہے. ارتھ ارتھ کیول پیور بتا دیا تو کل کے دن تم جس کو بتاؤ گے تو ایسے ارتھ بتانے والے تو دنیا میں آپ کو گلی گلی میں مل جائیں گے. اصلی بات تو یہ کہ اس کا مول بھاؤ اس تک پہنچے, متھیا مانیتائیں دور ہوں, وہ ہیں. یہ بہت بڑھیا ہے یار, چوتھا چھند بہت اچھا ہے. بتم گنان گن سمو دس سانک کانتا کستے کما سر گرو پرتھمو پی بودھیا کر پانت کال پونو دت نک چکم جو اپن شانتی پاٹھ پڑھتے نا, اس شانتی پاٹھ میں ایک چھند ہے, تم گن گنمنی گنپتی گنت نہ پاویں پار ڈول سولپ متی کم کہیں. یہ تو دیو استوتی میں ہے یار. ارے شاستروکت ودھی پوجا مہوتسو کی انتم لائن ہے, وہ دو کر پرمان کے مانتے اور گگن نپے کی من تیوں تم گن برنن کرت. بھائی یہ ہاں کر پرمان مانے ہاتھ, بیتیا سے ناپنے جاؤ اس سے تو آکاش کو کوئی ناپ سکتا ہے نہیں, ایسے آپ کے گنوں کا ماپ نہیں ہے. تھک جائیں گے کبھی کرتے کرتے لیکن پورا نہیں ہو پائے گا. یہ صحیح, بک تم گنان گن سمدر سسانک کانتان, ہے گن کے سمدر, دیکھا نا گن سمدر, اور کیسے ہیں وہ گن سمدر, سسانک کانتان چندرما کی طرح کانتی والے ہے گن کے سمدر. گن کے سمدر کہہ کر کے تو یہ بات کہہ دی کہ آپ میں بہت سارے گن ہیں. پہلی چیز ٹھیک ہے, تو بہت سارے گن ہیں کہہ کر کے گن کے سمدر ہو آپ, یہ بات کہہ دی. اب دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گن بالکل چندرما کی طرح ایک دم چمکدار ہیں. چمکدار ہے مانا ایک بھی گن میں داغ نہیں ہے, بے داغ ہیں. تو ایسے گنوں کو سمدر سسانک کانتان, گن سمدر سسانک کانتان مانے چندرما کی طرح کانتیوان ایسے گن کے سمدر, ان کو بکتم مانے کہنے میں سر گرو, سر گرو مانے برہسپتی کو بہت بدھیمان مانا جاتا ہے. دیکھو جین درشن میں ایسا نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ ایک کہاوت ایسی بھی آتی ہے کہ مانسنگ جو ہیں اوریجنل شویتامبر تھے, اوریجنل شویتامبر تھے پہلے, بعد میں دگمبر آچار سے پربھاوت ہو کر کے وہ دگمبر بنے, اور پھر انہوں نے اس بھٹامبر کاویہ کی رچنا کری. جیسے اپنے گرودیو تھے تو مول شویتامبر تھے. بھائی صاحب دیکھ رہے ہو گے؟ اچھا میں سوچا اپما کا پربھاو تو نہیں ہے کیونکہ وہ تو پچ گیا ہوگا یار, بہت دیر ہو گئی اب تو. اچھا آنکھیں چھوٹی ہیں؟ ارے ترک مت بتا یار, تو بس اتنا بتا کے جگ رہا ہے. ہاں وہ اور کوئی مطلب نہیں ہے. تو میری کلاس میں کوئی سوئے تو اس میں میرے کو ایسا لگتا کہ میں فیل ہو گیا کہیں نہ کہیں. ٹھیک, تو لگ بھگ لگ بھگ میرا 90% ریکارڈ ٹھیک ہے. اب جس کو سونا ہے اسے تو کوئی روک نہیں سکتا دنیا میں. میں تو کیا کیولی کے سموسرن میں جا کر کے بھی بڑھیا آرام سے نیند نکال کے آئے گا. وہ ایسے مہا سوبھٹ لوگ ہوتے ہیں کچھ دیر. کیا بھیا میں کیا کہہ رہا ہوں, برہسپتی یدپی ہندو مانیتا میں ہیں لیکن کیا ہے یہ شویتامبروں سے آئے تھے. شویتامبروں کی آدھی مانیتائیں تو ہندوؤں جیسی ہیں. گنیش جی بھی مانے جاتے ہیں, برہسپتی بھی مانے جاتے ہیں, لیکن پھر بھی تو ادھارن ان کے ذرا ادھر سے ملتے جلتے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ جیسے برہسپتی بدھیمان, ان کے جیسا بدھیمان بھی سر گرو پرتموپی, پرتموپی مانے ان کے جیسا, اپما دی, بدھیمان جیو
कस्ते क्षमा, सामर्थ्यवान नहीं है आपके गुणों को कहने में, तो फिर मैं कैसे होऊंगा? जैसे कल्पांत काल पवनोद्धत नक्र चक्रम कोवा तरी तुमल मम्बु निधि तुझाभ्याम, कि जब प्रलय आता है ना, प्रलय, प्रलय कैसे आता है? अरे छठवें काल में जब बारिश होगी 49 दिन तक, तो जो प्रलय आती है उसमें सब डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। अरे 2012 पिक्चर देखी कि नहीं देखी? कोई नहीं, कुछ लोगों ने तो देखी होगी यार। हाँ, वो पानी पानी भर जाता सब में, बर्फ पिघल जाती है 2012, तो उसमें सब पिघल जाता है पूरा। तो ऐसा समुद्र का होए और फिर कोई कहे कि मैं उसे अपनी बाहों से पार करूंगा, हाथों से, तो कहते ये बहुत बड़ा साहस है यार। ऐसे आपका गुण रूपी समुद्र और बिल्कुल निर्मल गुण, जिनको स्वयं बृहस्पति भी व्याख्या करने में असमर्थ पा रहे हैं, उनकी व्याख्या करने का अगर सामर्थ्य मैंने लिया है, फिर तो वही हो गया कि प्रलय काल के समुद्र को कोई अपनी बाहों से पार। को वा तरी तुमल मम्बु निधिम बुझाभ्याम, बुझाभ्याम माने अपनी भुजाओं से, अम्बु निधिम माने समुद्र को, तरी तुमल तैरने में, कौन समुद्र है वो भी कौन सा? कल्पांत काल पवनोद्धत माने प्रलय काल के अंत में उछलने वाली हवाओं से उद्धत है जो, और नक्र चक्रम मगरमच्छों के समूह से भरा हुआ, खतरनाक जीवों से भरा हुआ, ऐसे समुद्र को पार करने में कौन समर्थ है? नोबडी कैन, कोई नहीं है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। अगले काव्य में पांचवा काव्य है, केवल पढ़ लेते हैं, इसमें अर्थ कुछ विशेष है नहीं। सोहम तथापि तव मति वसान मुनीस, प्रीत्यात्मवीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। भक्तंबर की क्लास लेने की सलाह किसने दी थी? आप लोगों ने। अच्छा ठीक है, चलो। हाँ, मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें, मेरा सामर्थ्य नहीं था। हाँ है? हाँ, लेकिन और दूसरा जो मुझे लेना था वो नहीं ले पाया। खैर, दैट्स ओके। चलिए, इस भाग में क्या है, एक लौकिक उदाहरण है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये इससे आप लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। ये प्रेरणा वाला काव्य है, मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है पांचवा। इसका मूल ये है कि जरूरी नहीं है कि आप में ताकत कितनी है, प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य कितनी है, प्रश्न ये है कि जितना सामर्थ्य है उसका समर्पण कहां है। दोबारा बोलता हूं, प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे पास सामर्थ्य कितना है, प्रश्न ये है कि जितना सामर्थ्य है उसका समर्पण कहां है। हमारे पास, हम सब संगी पंचेंद्रिय हैं, क्षय उत्सम है, सम्यक दर्शन करने की पात्रता है। अब हमारे पास इतना क्षय उत्सम तो है, अब किसी के पास कम होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, लेकिन जितना है उतने का समर्पण होना चाहिए विशेष है। 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में आप मई के महीने में धूप में निकलो, जयपुर की गर्मी में धूप में निकलो, तो निकलते हो तो जल जाते होगे, पूरे राख हो जाते हो, लौट के आते होगे, बालों में आग लग जाती होगी तुम्हें, नहीं लगती? कुर्ता वुर्ता जल जाता होगा, नहीं जलता? अरे गर्मी लगती है मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता बाल जल जाए है? हाँ, सनवर्न हो जाता होगा भाई, वो पपड़ी वपड़ी सी पड़ जाती है, लू लग जाती, थोड़े काले वाले पड़ जाते हैं, लेकिन जल जाते हैं क्या? नहीं जलते ना, कोई बात नहीं। अब दिसंबर के महीने में आप धूप में बैठे हो, ठीक। अब मैंने आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास दिया, लेंस बुंदेलखंडी में अपने वो गोला सो रहे थे ऐसे लेके, और आप दिसंबर की धूप में सर्दियों की, और उस मैग्नीफाइंग ग्लास से धूप का एक बिंदु बनाइए, छोटा सा, बनाते नहीं बनाते बिंदु, और उस बिंदु को ऐसे कपड़े पे, एक छोटा सा बिंदु बनता है, थोड़ी देर में कपड़ा जलने लगता है कि नहीं? हाथ पे करो तो हाथ जलने लगता है कि नहीं?
अरे लकड़ी पे करो तो लकड़ी चलने लगती है, वो लेंस से बिंदु बनाया नहीं बनाया, किसने बनाया बचपन में, खेल खेला कि नहीं खेला ये, हाँ ऐसे जलाने वाला, ऐसा कैसे हो जाता है यार। दिसंबर जून में तो जल नहीं रहे अपन, मई जून में, और दिसंबर की सर्दियों की धूप में वो जलने लगा। फोकस, समर्पण, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता, सारी शक्ति को समेट करके एक जगह लगा दिया, सम्यक दर्शन होने में टाइम नहीं लगेगा, प्रमेय रत्माला समझने में देर नहीं लगेगी, शिवराज विजय समझने में देर नहीं लगेगी, समझ में आया, कारक प्रकरण समझने में देर नहीं लगेगी, समर्पण चाहिए। हमें तो समझ में ही नहीं आता, ऐसे आदमियों को जिंदगी में नहीं आएगा समझ में, हम तो दीनहीन है तो मर जाओ, अगली पर्याय ढूंढना कोई ऐसी जिसमें तुम सुरसकेवली बन के पैदा हो, कोई भी ऐसा पैदा ऐसी सुरसकेवली नहीं होता, इसलिए समझ में आया भैया। भिंडवारे का नाम तुम हो, विकास जी हैं, कब तक 60% में अटके रहोगे, तुम में नहीं है, तुम में 100% नंबर है पूरे, सामर जानना। देखो एक हिरनी, हिरनी शेर के सामने उसकी क्या विसात, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने जाके भिड़ के खड़ी हो जाती है, और कई बार सक्सेस भी हो जाती है, कई बार सक्सेस हो जाती है। अरे शेर का उपयोग 2 मिनट में भ्रमित किया, बच्चा भाग लिया इधर, हिरनी भाग ली उधर, और निकल लिए दोनों ही बच गए। बुद्धिमान लोग भिड़ने में कम निकलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, मूर्ख होते हैं भैंसे की तरह, वो भिड़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन बुद्धिमान भिड़ते नहीं है विशेष, निकलते हैं बच के। जो भिड़ता है वो मूर्ख होता है। इस जगत में नियम रखना, ये याद रखना ये बात, कभी भी हम समझदार हैं तो बचने की कोशिश करेंगे, निकलने की, भिड़ेंगे नहीं, समझ में आया। क्योंकि दादा ने लिखा, आप कुछ भी कहे हो, मैं श्रुत के सागर को संयम का सागर होना ज्यादा जरूरी है, आपके कोर्स में है इस साल, आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। ये है पांचवा काव्य, अब छठवे के लिए टाइम अभी है नहीं, तो अपन कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना काफी है। पांच, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो पढ़ रहे अपन दिल से पढ़ेंगे इसको, जो अपने सामने आया, इसमें कोई भी आपको कमजोरी नजर आती हो पढ़ने में, शब्द अर्थ में, या किसी चीज में भी, तो आप जरूर 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 मेरे से पूछिए, ठीक है। अर्थ में कोई दिक्कत आती हो तो भी पूछिएगा, ठीक है। जय जिनेन्द्र।